हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 11 बज गए हैं, अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं करी हमने, क्योंकि कल हमको निकलना है राइड पे, इसके बाल भी कटवाने हैं और काफ़ी चीज़ें करनी हैं आज। तो समझ में नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि काफ़ी लंबी राइड है, अराउंड 600 किलोमीटर, वो भी बाइक पे। देखते हैं, फर्स्ट टाइम करेंगे। बाइक पे एक प्रॉब्लम होती है कि लगेज नहीं ले जा सकते, कपड़े वगैरह ज़्यादा नहीं ले जा सकते। तो प्यू सर में जाएंगे बाइक पे, तो दोनों एक थोड़े बहुत कपड़े भी ले जाने पड़ेंगे, बिकॉज वहाँ ठंड होती है उत्तराखंड में, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम है। देखते हैं जो भी रहेगा। फिलहाल तो ये सो रहे हैं यहाँ पे आराम से। इसके बाल देखना कैसे हो गए, इतने बड़े से अजीब से हो गए, तो ये भी आज कटवा देंगे। कटवा दो फिर, तभी जाएंगे, नहीं तो फिर इसके पापा बोलेंगे क्या हाल बना रखा तूने इसका। उत्तराखंड में एक जगह पे नहीं, काफ़ी जगह जाने का प्लान है। चाचा चाची से मिलेंगे, कुनाली से मिलेंगे। ये जो न्यू हेलमेट लिया था मैंने, अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं किया है, तो इस वाली राइड पे इसको यूज़ करेंगे। इस पर जल्दी से मैं सेटअप लगा देता हूँ गोप्रो का, फिर अब की बार यही हेलमेट यूज़ करेंगे। ये हेलमेट लेके जाऊँगा अब की बार, बताना कैसा है। इसमें गर्मी नहीं लगेगी तेरे को? भारी है बेटा, तेरे सिर में बोझ हो जाएगा बहुत। झूठ नहीं कह रही, लंबा सफ़र है ना, बोझ हो जाएगा। कहीं नज़दीक जाना है वहाँ ले जाकर इसको। वैसे नहीं कह रही, एक तो ऊपर से गर्मी और दूसरा बोझ, देख इसमें कितना है तेरे सिर में, कितना बोझ आएगा। गर्मी फुल है ना, और तो कोई नहीं। तो चलो देखते हैं, मम्मी कह रही है कि काफी भारी है, तेरे को दिक्कत आएगी, बट चलो जो भी है देखी जाएगी। उसका ही पीयूष का ही छोटा लगा, ये देख, ये देख, डाल के दिखा दो। जाता है डाल तो सही बेटा, एक बारी कितना छोटा सा, ऐसे क्यों कहता है बेटा तेरा, इससे तो बड़ा ही होगा सिर। अरे जाता है मेरा सिर भी मम्मी, टेंशन ना लो। मम्मी हेलमेट टाइट ही होना चाहिए ताकि निकले ना, फुल सेफ्टी है भाई इस हेलमेट में, फुल। मम्मी अंदर से इतना वो नहीं है ये, अरे अंदर से गुदगुदा है पूरा। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट आ गया, ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ क्या पैक करना है, बिकॉज बाइक पे जा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा यार, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें ले जानी पड़ेगी, लिमिटेड कपड़े ले जाने पड़ेंगे। पीयूष भी जा रहा है तो एक ही बैग होगा हमारा, एक ही बैग में पीयूष के कपड़े, मेरे कपड़े, लैपटॉप, सब कुछ, चार्जर वगैरह। ये देखो मैं अभी खाना खा रहा था, इसमें से क्या निकला, जिंदा हरी मिर्च। इसको देख के इतना डर लग रहा है ना, साइड में कर देता हूँ यार, मिर्च लग जाएगी। तो अभी हम आए मस्त जगह पे पीयूष के बाल कटवाने के लिए फर्स्ट टाइम में, तो बाहर बैठ के कटवाएंगे। ऊपर वाले थोड़े थोड़े काट दोगे, बाकी तो सही हो गए। बिना मशीन के वन साइड कट होगी तेरी, कैसा एक्सपीरियंस था ये तो बता दे। सही था बाल भी सही कटे, बस वहाँ एसी के पैसे लगते हैं। तो पीयूष बाल कटवा के आ चुका है, अब मम्मी का रिएक्शन देखना है। बाल नहीं कटवा के आया मम्मी, देख लो बिल्कुल भी ठीक है, फिर भी आगे से कम है, ये इतने होते हैं ना, ठीक है। पता कहाँ से कटवाए हैं, पेड़ के नीचे से। सच्ची पेड़ के नीचे से कटवाए हैं। ये देखो मम्मी कैसे नहला रही है इसको, मतलब बाहर खड़े होके, क्योंकि खुद तो रगड़ता नहीं है। तो अभी हम बाहर से आए हैं और मैंने ये तरबूज काटा हुआ था, बिल्कुल भी लाल नहीं है, जैसा भी अब यही खाना पड़ेगा हमको। तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती मैं आपको दिखाता हूँ फिलहाल, जो मुझे लग रही है। ये देखो क्या हाल हो गया मेरी बाइक का, अभी पीछे कोई बैठा भी नहीं था, अगर पीयूष बैठा होता तो अभी मैं भी आया हूँ ना। और मेरी टी शर्ट का भी क्या हाल हुआ, दिखाई और मेरी टी शर्ट का देखो, तो यहाँ पे जो मडगार्ड था वो मैंने निकलवा दिया था लुक की वजह से, ताकि लुक अच्छी होगी। लुक तो इसकी अच्छी हो गई है, बट अगर कीचड़ आता है, बारिश आती है, तो पूरा कीचड़ देखना यहाँ तक, इवन यहाँ तक, मतलब पूरी बाइक ख़राब हो जाती है। तो जो मडगार्ड है वो मैंने हटवा दिया था, वो मडगार्ड अब मैं दोबारा लगवाऊंगा आज, अभी के अभी लगवाता हूँ, क्योंकि कल हमको निकलना है। तो उससे पहले चलो कोई बात नहीं, गलती ठीक तो हो गई, अगर निकल लेता मैं फिर तो बहुत प्रॉब्लम आती, क्योंकि रास्ते में कीचड़ पानी सब जगह मिलेगा पहाड़ों पर। तो इसको भी ठीक कराते हैं, ये तो सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, पीयूष पीछे बैठेगा, पीयूष भी ख़राब हो जाएगा। ये गलती आप मत करना कभी भी लुक्स के चक्कर में। मडगार्ड हटाने के बाद ये अच्छा तो लगता है, बट ये अच्छा नहीं लगता। तो ये रहा अपना मडगार्ड, आ जाओ ओलू, थोड़ा सा पीछे बैठ जा, बैठ जा पीछे, पैदल चल दो, एक्चुअली घर के पीछे जाना है। मेरी बाइक में दोबारा मडगार्ड लगवा दो, मैं परेशान आ गया। सोनू भी अगर आपको ही लगाना था तो फिर यहाँ क्यों लाई बाइक, वहीं कर देते। सोनू भी भाई सारा काम ऐसे लगेगा, इसके बाद तो नहीं होगा ना ये, इसके बाद पक्का ना। लो भाई अपना मडगार्ड तो लग गया, अभी टेस्ट करके आऊंगा मैं, जानबूझ के कीचड़ में चला के लाऊंगा, देखते हैं दोबारा होता है या नहीं होता। साथ में सोनू भैया को बिठाना, हाँ सोनू भैया आप बैठना है यहाँ पे, व्हाइट शर्ट पहले साफ कराओ भैया, फिर बैठोगे कीचड़ में, जाओ कीचड़ में स्पीड में। पक्का पक्का। तो मडगार्ड तो लग गया, अब इसको धुलवा के लाते हैं जल्दी से, फिर बाइक अपनी रेडी हो जाएगी, बिकॉज सर्विस तो करवाई रखी है, सब कुछ इंजन ऑयल वगैरह सब चेंज है। इसको तो अभी साफ कर लेते हैं, क्योंकि कोई तो बैठेगा पीछे। हो गया रे साफ, आ जाओ, गाय के लिए रोटी है क्या? गाय के लिए काफी सारी रोटियां, थोड़ी तू दे दे, थोड़ी तू दे, थोड़ी मैं, ब्रेड भी है। कहाँ गई गाय, कहाँ गई गाय, हमारे दर से ऐसे मत जाओ, हम आपको खाना देंगे भाई, मेरे हाथ मत काट देना बस, सॉरी सॉरी, दे क्या एक एक करके दियो, एक एक, डर लगता है।
और जो कह रहा है गाय को रोटी क्यों दे रहे हैं, क्या रहे? फिलहाल इसको धुलवाने चलते हैं, ये तो साफ हो गया। तो बाइक तो हम ले आए यहाँ पे, एलओएस वगैरह अच्छे साफ कर देना, एलओएस वगैरह। तो अभी हम रेडी हैं अपनी बाइक के साथ में कल निकलने के लिए, अब इसको ढक दे। तो अभी पापा जी नए हेलमेट पे जुगाड़ कर रहे हैं सेटअप के लिए, पापा जी फिलहाल अभी जुगाड़ कर रहे हैं, एमसील लगा रहे हैं इसमें। तो अभी शाम के बज गए हैं 6:26 और समझ में नहीं आ रहा क्या पैकिंग करूं, क्या लेके आऊं, ये लॉलीपॉप खाया जा रहा है बस। भाई तो एक नया कवर लेके आया, देखो ऐसा लग रहा है कि येलो ही आईफोन है। तो अभी पापा जी यहां से पेड़ निकाल के प्लॉट में लगाएंगे, ये निकाल दिया जड़ समेत, ये आज एक जगह से गंजा लग रहा है। तो अभी क्या सीन ऐसा है, अभी हम जा रहे हैं पारस भाई के पास क्योंकि उनके आज ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं, तो उनको केक कटवा देते हैं। तो पापा जी तो अपने पौधे ले आए लगाने के लिए। अरे ये बता केक मिलेगा कहाँ से, तू उस दिन कहाँ से लाया था? फिलहाल अभी हम जा रहे हैं केक लेने के लिए, पहले केक लेते हैं फिर पारस भैया को लेते हैं। भैया केक दिखाना, केक ठीक है, इस पे लिख दो 1 मिलियन। केक तो ले लिया, अब जल्दी से पारस भैया को उठाते हैं, वो जिम में गए हुए हैं, जिम से उठा लेंगे उनको। तो जिम पे तो पहुंच चुके हैं, पारस भैया को फोन करता हूं कि बाहर आओ, और एक काम करो केक ले आओ बोनेट पे रख दो, पारस भैया आ रहे हैं। भैया की बाइक देखते हैं जो कि कल जाएगी, इन्होंने तो साफ भी नहीं कराई। बधाई हो, हैप्पी 1 मिलियन। अरे भैया चोरी चाकू लेके आ गए यार, ये सही है, वर्कआउट करते करते केक कटवा रहे हो। अरे कोई बात नहीं यार, 1 मिलियन ड्रॉप्स थोड़े ना होते हैं। देख लो गाइस 1 मिलियन पे भी अपनी जिम नहीं छोड़ते, अपनी पूरी वर्कआउट करते हैं सही से। हैप्पी 1 मिलियन। थैंक्स यू भाई, भाई का बहुत बहुत सहयोग रहा है। पीयूषी मैंने केक कैसे ब्रेड निकाल लिया, एक जोड़ी रखे या दो जोड़ी रखे लिया बस। दो जोड़ी कैसे लेके जाएंगे? दो तो ले जाने पड़ेंगे बेटा, दो के बिना तो देख, एक तो तेरा हल्द्वानी जाने तक हो जाएंगे सब वो। मम्मी एक बार बताओ, एक नहीं आप मेरी एक बार बताओ, बाइक पे जा रहे हैं, बाइक पे दो जोड़ी कैसे कपड़े कैसे ले जाऊंगा मैं? दो जोड़ी में क्या है, पतले से तो है, ये तो मैं ज्यादा लाई हूँ, मैं वैसे थोड़ी लाई, मैंने कहा अंदाजे से। इतना बड़ा बैग कैसे लेके जाएंगे यार, पकड़ लेगा इतना बड़ा बैग? ये बढ़िया है इसमें ये, आप सिर्फ पीयूष के बता दो क्या ले जाने, मैं अपने खुद रख लूंगा। ये वाली ये नहीं ले जानी, ये वहाँ डालेगा। शर्ट और पैंट क्योंकि गर्मी होती है ना, गर्मी में हाथ काले हो। सुबह भाई 5 बजे निकलना है, सुबह नहाएगा नहीं अभी, नहा के क्या होगा, नहा तो रखा है उसने, नहा ले सुबह नहाया ना, और क्या सुबह सुबह नहा लियो, क्या हो गया, मैं भी तो नहाऊंगा। हां और पसीना थोड़ी हो रहा है, सुबह नहा लेगा, सुबह नहाऊंगा, गर्म पानी उससे नहा लियो, गर्म गर्म पानी, मेरे को सुबह इतनी उजाई नहीं है। उल्लू हम जा रहे कल सुबह जा रहे, कपड़े थोड़ी लाई हूं मैं ज्यादा। अरे आप पीयूष के कपड़े डाल दो, मैं बिना कपड़े के चले जाऊंगा, मैं तो एक कपड़े में रह लूंगा 10 दिन, एक कपड़े में, एक कच्चे में भी। यार मेरी आंख में बाल है, निकाल दूं? आँख में बाल है, निकाल भाई, कहाँ है, निकाल दे। ओए ये रखी है मैंने, ठीक है, अगर ज्यादा ठंड लगेगी ना, देख इसको हरा वाला है। तो गाइज मेरा हेलमेट तो रेडी हो चुका है, देखो यहाँ पे मैंने सेटअप भी लगा लिया, इसके अंदर कैमरा डाल लूंगा और कल ये वाला हेलमेट डाल के जाएंगे। मम्मी जी कोई बात नहीं है, ये लिया है मैंने और ये सेफ्टी अच्छी है, तो ये हेलमेट तो है भारी है। अरे नहीं है भारी मम्मी, आदत पड़ जाएगी, हर चीज की आदत पड़ जाएगी, टेंशन ना लो। लुक कितनी अच्छी है इसकी देखना, और इस पे अच्छा भी लग रहा है। तो फिलहाल डिनर करते हैं, मेरा डिनर तो ऊपर ही आ गया। तो फिलहाल मैं अपने नए वाले हेलमेट में माइक की फिटिंग कर रहा हूँ, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है बिकॉज काफी लंबी वायर है, तो इसको किस तरह से एडजस्ट करूं मैं अंदर ही अंदर। बाकी कैमरा काफी सही लग रहा है, देखो सूट कर रहा है इस पे ब्लैक ना। तो अभी हेलमेट तो कम्प्लीटली रेडी है अपना, और कपड़े मैंने थोड़े बहुत डाल लिए, बट थोड़ा कन्फ्यूजन है कौन से ले जाऊँ कौन से ना ले जाऊँ, बट पीयूष के और मेरे दोनों के डाल लिए, और बैग काफी भारी सा हो गया है। अभी इसमें लैपटॉप और ये सामान ही डाला है, तो लैपटॉप और एक ये और ये कुछ वायर्स हैं, बस यही लेके जाऊंगा और कुछ नहीं। रात के 12 बज चुके हैं, पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट हो गई है मेरी, फिलहाल बस थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे और 1-2 बजे तक सोऊंगा, फिर सुबह 5 बजे उठने का प्लान है, 5 बजे उठ के जाने का, देखते हैं जो भी रहेगा वो, उठ पाऊंगा नहीं उठ पाऊंगा, बट प्लान तो है। फिलहाल तो बस इसको जल्दी से अपलोड करता हूं और फिर सोता हूं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, नेक्स्ट व्लॉग देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, हमारी जर्नी कैसी रहती है अराउंड 600 किलोमीटर, डर भी लग रहा है, एक्साइटिंग भी हूँ, बट मिक्स फीलिंग है, जो भी है। फिलहाल इस व्लॉग का एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो ओरियो की बहुत ज़्यादा याद आएगी, और अभी बिहाइंड द कैमरा पीयूष है, और जी जैसे हम पिछली बार गए थे फिर ओरियो की याद भी आएगी, अभी थोड़ी सौदा जा रहे हैं, और कल को जाएंगे, पीयूष अभी जाएंगे, यार इसके बिना मेरा मन नहीं लगता यार।